नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंस द टाइशन टॉक्स ऑफ दिल से को-स्पॉन्सर्ड बाय नेसोल। हमारे जो स्पॉन्सर है केंगे कंस्ट्रक्शन, उनके बारे में मैं बता दूं, वन ऑफ द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ द स्टेट। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रिम्स बनाया है उन्होंने, एफटीआई बना रहे हैं और कोविड के समय में उन्होंने जो काम किया है एवरीबॉडी नोस। एक महीने के अंदर एमएलए हॉस्टल को उन्होंने कोविड हॉस्पिटल बनाया। और हमारे जो अगले स्पॉन्सर है नेसोल, नॉर्डी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस रन बाय अजय तमाम। यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए, उनका लेक्चर सुनिए। वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो ऑफ नॉर्थ ईस्ट। डू चेक देम आउट, दे आर क्रिएटिंग ऑफिसर्स, दे आर क्रिएटिंग सो मेनी जॉब्स फॉर अरुणाचल प्रदेश। डू चेक देम आउट। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड में हम एक ऐसे शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम तो नो वन है, बट आई थिंक एवरीबॉडी नोस हर, सब जानते हैं उनको, समझ गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी प्रिटी लेडी, अ वेरी स्वीट लेडी एंड ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। ऑन कैमरा जितना इंटरेस्टिंग है, ऑफ कैमरा भी इतना इंटरेस्टिंग है। ओके, सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस नो वन। स्माइल जो है हमेशा रहता है इसका चेहरे में, ना पता ही नहीं चलता गुस्सा है ना। सच ए वंडरफुल थिंग टू है। तो मिस नो वन, सीधा आपके बारे में पूछते हैं, मिस नो वन है कौन? Who is Miss No One? अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मैं कह सकती हूँ कि मिस नो वन एक ऐसी पर्सन है जो चाहती है कि लोगों को खुश रखे और थोड़ा बेटर बनाए इस दुनिया को, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा ऑलरेडी नेगेटिविटी भरा हुआ है। तो मैं जितना ट्राई करती हूँ हमेशा कि लोगों को हंसाऊं और खुद भी हमेशा खुश रहूं। तो ये स्माइल जो कभी रुकता है ना, ये मतलब परमानेंट चिपका हुआ है आपके चेहरे पे। हाँ, ये तो परमानेंट चिपका हुआ है। गुस्सा भी आता है तभी भी स्माइल ही आता है, पर थोड़ा सा अलग वाला। दैट सार्केस्टिक स्माइल शी इज टॉकिंग अबाउट बहुत जरूरी है आई थिंक। कभी-कभी ना खुशी वाला स्माइल से ज्यादा जरूरी है सार्केज्म वाला स्माइल जरूरी होता है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो मिस नो वन अगेन, लाइक ये नाम था ना, नाम के बारे में थोड़ा बताइए ना, मिस नो वन। आई मीन क्योंकि जब व्हेन आई स्टार्टेड तो आई वाज नोबडी, नोबडी नोस मी, आई नो नोबडी, वो बोल सकते हैं। मेरे पास कोई कनेक्शन तो था नहीं, तो मुझे बस स्टार्ट करना था अपना जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैंने ये नाम चुना कि मिस नो वन, जिसे कोई नहीं जानता, इसकी इस दुनिया में इसकी पहचान ही नहीं है, क्योंकि वही से मैंने शुरुआत की है, रूट से। और आई बिलीव मिस नो वन इज मिस समबडी नाउ। एग्जैक्टली, तो अभी मिस नो वन को जो है आदमी लोग जानना शुरू हो गया ना, तो अभी नाम चेंज करेंगे ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? नो, अगर मुझे अभी रियल नेम से भी बुलाते हैं कहीं पे तो मैं कहती हूँ कि मेरा स्टेज नेम है मिस नो वन, तो आप वो करके बुलाइए। गेमिंग इज डिफरेंट, उसका पर्सनल लाइफ वो अलग में रखना चाहूंगी। मैं वही पूछने वाला था, सी लाइक यू आर ए कंटेंट क्रिएटर, जो मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाला आपका कंटेंट होता है ना, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, लीड माइंड भी क्या? JS Jaika Fine Dine In a Multi Cuisine Restaurant में आप सभी का स्वागत है। रेस्टोरेंट का माहौल आपको ताजा और घरेलू महसूस कराता है, जिसमें शामिल है लाइव म्यूजिक स्क्रीनिंग और लाइव किचन। JS Jaika अच्छे भोजन परोसने में विश्वास रखता है। पारिवारिक समारोह और विशेष अवसरों के लिए सबसे सही जगह है। हमारे केयरिंग और प्रतिबद्ध कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको हमारे रेस्टोरेंट में शानदार अनुभव हो और आपको किंग क्लास ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम हो। JS Jaika का पता है बैंक तिनाली नियर SBI ATM ईटानगर। पॉजिटिव है ना मिस नो वन का जैसा, वो पॉजिटिव है ना। लिली माइंग जो है कभी कभी यू नो दीवार में पंच मारने वाला पर्सनालिटी तो नहीं है ना, समथिंग लाइक दैट। समटाइम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग दीवार में पंच सच, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, ये सीखा हुआ है मैंने। पर मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये बस दीवारों के लिए होता है। कभी कभी गुस्सा आने पर
पर मैं कहना चाहूंगी कि मिस नो वन इज मोर पॉजिटिव देन मिस नो लिलीमांग इज मोर पॉजिटिव देन मिस नो वन रियली क्योंकि मिस नो लिलीमांग जो है एक सोशल वर्कर पहले से है वो अपने माता पिता से इंस्पायर हुई थी तो मिस नो वन जो है वो तो एक आर्टिस्ट है एक कंटेंट क्रिएटर है तो उसे जो काम मिलता है वो वही करती है बट लिलीमांग इज समथिंग डिफरेंट वो चाहती है कि लोगों की हेल्प करें बेशक एंड देन यू नो अभी मिस नो वन बुलाएगा ना लिली बुलाएगा ओके बट एनी वन ओके चलो मिस नो वन फाइनल इट इज और मिस नोमन आप अपने बारे में यू नो यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन लाइक आपने मार्शल यू आर ए मार्शल आर्टिस्ट ना तो मार्शल आर्टिस्ट का जर्नी के बारे में बताइए आई मीन लाइक आई थिंक कुछ लेवल तक रिप्रेजेंट भी किया है आपने ना तो उसके बारे में बताइए जरा हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक वो जर्नी तो तकलीफ था जब मैंने शुरुआत की थी तब लोग इतना नहीं करते थे बहुत कम थे स्पेशली लड़की बहुत कम थी तो मैंने जर्नी की शुरुआत की थी 2012 में 12. तब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैनी वेयर अगेंस्ट ऐसे तो मेरे मुझे सीधा नहीं कहते थे मेरे माता पिता को कहते थे कि लड़की है क्यों करवाना है ठीक नहीं होगी बट आई प्रूव देम रॉन्ग जब मेरा नाम जो है न्यूज़पेपर में आने लगा था बिल्कुल वो मेडल्स वगैरह के लिए तब दे वेर लाइक दे आर प्राउड ऑफ मी कि मेरे रिलेटिव्स है मेरे फ्रेंड्स है ऐसा करके तो आई थिंक ये जो जर्नी है मैं मेरे से ज़्यादा मेरे जो गुरु है उसे और मेरे माता पिता को क्रेडिट देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे रोक टोक नहीं किया कभी भी लाइफ में कि तुम अगर कुछ करना चाहो अच्छा तो करो ऐसा करके उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है तो obviously national खेला हुआ है मैंने but international नहीं खेल पाई क्योंकि means you represented Arunachal हाँ that's a big deal यार हमारा क्या होता है कि financial issue हो जाता है थोड़ा और बाहर जाने के लिए अगर आप government से भी थोड़ा बहुत sponsorship ले भी लो फिर भी आपको खुद के pocket से बहुत कुछ करना पड़ता है तो इसीलिए मैं international तो अभी तक नहीं जा पाई अभी तक हाँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक मतलब मार्शल आर्टिस्ट छोड़ा नहीं है आपने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया है बट अभी तक भी जुड़ी हुई हूँ मैं उनके साथ में तो आई एम अ एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मींस हाँ तो मैं ये बोलने वाला था कि यू नो जैसे कि ऑफ कैमरा हम थोड़ा बात कर रहे थे लाइक वी ऑल नो यू एज एन एंटरटेनर ना और आपने ये भी बोला कि लाइक कोई नहीं जानता था हमको इसके लिए मिस नो वन आप अपना नाम रखा बट आप तो बोला आप पेपर में भी आ चुका है हाँ बट वो था लिलीमांग बट मिस नो वन का जर्नी कुछ अलग था okay. तो इसीलिए और मैं चाहती थी कि मेरे काम से लोग मुझे जाने कि ये लड़की क्या कर सकती है मेरे टैलेंट से जाने ना कि मेरे पिताजी के नाम से मेरे दादाजी के नाम से मुझे जाने कोई तो चलिए लीली आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यू आर ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड टू योर रूट्स आपका जो इनिशियल वीडियोस था उसमें टू बी रियली ऑनेस्ट दैट कॉमेडी सार्केज़म से ज्यादा पता नहीं हम तो लाइक इट वॉज वेरी स्वीट ना तो ये मतलब कहीं से इंस्पायर हुआ अपना कोई बोला आपको दैट यू नो ट्रेडिशन एंड कल्चर को इस तरह से भी दिखाया जाता है How does it work like in your head? नहीं मैं हमेशा अपने रूट से जुड़ी हुई रहती हूँ इसीलिए आज शायद मैं ये कपड़े भी मैंने ये पहने हैं एंड माफी चाहना होगी कॉम्प्लीमेंट यू लुकिंग लवली बाय द वे ओके थैंक यू क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को अपने रूट से जुड़े हुए रहना चाहिए क्योंकि हम हमेशा लोग कहते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मैं चाहती थी कि और मैं हमेशा ऐसे ही हूँ मुझे जंगल वंगल जाना पसंद है वो अलग बात है कि मैं इतना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा टाउन में पली बड़ी हूँ तो इतना मुझे ये सब का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी मैं हमेशा ट्राई करती हूँ और मुझे बाय द वे जंगल वंगल के चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता है एक्चुअली में जब लोग मेरे साथ जाते हैं ना तो वो शॉक हो जाते हैं कि इसे इतना कैसे पता है वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते बट मुझे अच्छे से पता है और मुझे ये सब अच्छा ही लगता था तो मैं चाहती थी कि लोग इसे देखें और सीखें कुछ कि आप अपने रूट से जुड़े हुए रह के भी कुछ कर सकते हो और हमारे यहाँ पे ना कुछ लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी होती है कि जो रूट से जुड़े हुए रहते हैं वो थोड़ा गवार होते हैं ना ज़्यादातर मुझे पहले ऐसा होता था अभी तो बहुत लोग ठीक हो गए पॉजिटिविटी आ गई है कुछ ना पहले ऐसा होता था तो मैं चाहती थी कि नो
you can be educated, you can exactly. be intellectual, yes. and still you can be grounded. Grounded and attached to your roots. तो मेरा मैं एक्चुअली आर्ट्स स्टूडेंट हूँ. मेरा ये आर्ट्स लेने का भी यही एक वो था कि लोग हमेशा हमारे वहाँ कहते थे कि जो साइंस लेता है वही सिर्फ अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा बच्चा होता है. बट मेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे थे 10 के, फिर भी मैंने लिया एक रेबेलियस नेचर के साथ के नहीं, आप आर्ट्स में रह के भी आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो, एक आप अच्छा एक इंसान बन सकते हो. सो मतलब हट के ना, ऑफ द बीटन ट्रैक. हमेशा मुझे हट के कुछ करना पसंद था, अलग जाने का. इसके लिए दैट दिस वंडरफुल मिक्सचर दैट यू आर डूइंग ना, मतलब आपका कंटेंट में कॉमेडी भी होता है एंड देन यू नो यू आर वेरी सीरियस एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर वेरी सार्केस्टिक. सार्केज्म का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है आपके वीडियोज में ना. तो आई मीन बताइए, लाइक सार्केस्टिक होना मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक है, मतलब थोड़ा सा कंप्लेन है सोसाइटी को लेके, दैट इज व्हाई वी आर सार्केस्टिक ना. तो इसको लेके बताइए ना, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर हाउ मच ऑफ ए पॉजिटिव पॉजिटिविटी यू आर स्प्रेडिंग इन द वर्ल्ड आपके हिसाब से. मेरे हिसाब से तो मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती. वो आई थिंक मैं जब मेरे ऑडियंस से मिलती हूँ तब मुझे थोड़ा पता चलता है कि हाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ लोगों को हंसाने का. और हमेशा कहती हूँ स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, मेरा हैशटैग रहता है वो. तो आई होप कि कभी आप मेरे कुछ फॉलोअर्स से मिलो तो उनसे जानो कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. और बींग सार्केस्टिक, एक्चुअली क्या होता था कि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एक्चुअली. तो स्ट्रेट फॉरवर्डली पूरा बात कर दो तो लोगों को कड़वा लगता है, वो लोग नाराज हो जाते हैं. तो इसीलिए वो सार्केस्टिक नेचर बिल्ड हो गया आई थिंक, कि अपना बात भी कर दो पर सामने वाले को बुरा भी ना लगो. हंसा हंसा के लगा ही दो एक थप्पड़. सही है, सही है. एंड देन अनदर थिंग ना दैट आई वांटेड टू आस्क यू, लाइक आपने कहा यू नो यू आर फ्रॉम वीकेवी जी. तो वीकेवी वालों, अगर ऑडियंस में कोई कोई वीकेवी वाला है ना, तो चलिए ना मिस नोवन, सिंस आई एम फ्रॉम आरके मिशन, ओके बता देना चाहता हूँ. और आरके मिशन और वीकेवी का गंदा राइवलरी होता है, ओके दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली बट ना. पर हाँ, वीकेवी से पास आउट होने के बाद आरके मिशन बहुत जाते हैं लोग. वी है बट यू नो एनीवे, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डू यू थिंक दैट वीकेवी का जो खाना होता है वो आरके मिशन से अच्छा होता है घटिया होता है. सब मेरा आरके मिशन और वीकेवी का दोस्त, प्लीज अदर पीपल डोंट माइंड, ओके. थोड़ा वीकेवी आरके मिशन मिल गया, थोड़ा उसका मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर देना चाहूंगी. सिंस आई हैवंट टेस्टेड द फूड ऑफ आरके मिशन तो मैं उसका बोल नहीं सकती, बट मैं ये कह सकती हूँ कि खाना का जो है सिर्फ खिचड़ी का बोलूंगी मैं. वीकेवी का खिचड़ी ना, दुनिया का बेस्ट खिचड़ी जो है वीकेवी में मिलता है. आरके मिशन का कभी दिन मुझे टेस्ट करवा देना कोई स्टूडेंट है तो, तब मैं बताऊंगी. आई विल टेल यू व्हाई, ओके. इनको खिचड़ी क्यों पसंद है, क्योंकि वीकेवी का खाना इज सेस, इट्स नॉट नाइस. वो खा के इसके लिए तो आपने बताया था ना कि आपको जंगल उंगल जाना पसंद है ना. हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग के तो जंगल नहीं जाता था ना. बताइए बताइए, सच बताइए. ऐसा कुछ नहीं था, हमारे वीकेवी में बहुत अच्छा खाना मिलता है. ये डिबेट चलता रहेगा. एनीवे नाउ अगेन कमिंग टू दैट ओनली ना, मतलब ये जो देसीपन है आपका ना, लाइक द थिंग दैट यू सेड, लाइक सेलिब्रेटिंग योर रूट्स एंड बीइंग इन वन विद द नेचर ना, मतलब आपने जैसे कि बताया कि एक जमाना था जब मतलब पीपल यूज टू लुक डाउन ना, बॉयल सब्जी खाने वाला को थोड़ा सा जंगली सोच लेता था आदमी, बम्बू टेंगा खाने वाला को जंगली सोच लेता था. तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो सिंस यू आर अ कंटेंट क्रिएटर ना, क्या आपको चेंज दिखाई देता है इन द यंग पीपल ऑफ अरुणाचल? आर दे एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग कल्चर इनटू देयर डे टू डे लाइफ्स? ना ये सिर्फ किताब में चल रहा है, मतलब ना आपको एक्चुअली में दिखता है? नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि स्पेशली खान पान से सबसे ज़्यादा लोग वो रहते हैं ना, जुड़े हुए रहते हैं कल्चर से अगर हम बोला जाए तो. तो आजकल क्या होता है कि सब ढूंढते हैं कि हमें लोकल खाना कहाँ मिलेगा और लोकल एम्बियंस कहाँ मिलेगा. अगर कोई होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह हो ना,
तो लोग बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं. आजकल बर्तन थाली भी वगैरह भी आने लगे हैं और जो हम घर में सजाते हैं सजावट के सामान जो होते हैं वो भी आने लगा है. हमारे बैम्बू से लकड़ी से बनता है तो चेंजेस तो हाँ ऑब्वियसली आने लगा है. और आजकल जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा ट्रेडिशनल वेयर पहन के ऐसे नॉर्मल मार्केट में घूमना, पहले अगर हम ऐसा घूमते तो देखते थे कहाँ से बस्ती से कोई आ गया बट अभी ऐसा नहीं होता है. अभी देखो वाओ इतना एलिगेंट लग रहा है, ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट आता है. सो चेंजेस मतलब आ रहा है. हाँ चेंजेस तो आ रहे हैं बहुत ज्यादा. दैट्स अ वंडरफुल थिंग ना. एंड आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू कंटेंट क्रिएटर्स ना. मैं बिल्कुल देना चाहूँगा. ऑफ कोर्स टीचर्स आर देयर, पेरेंट्स आर देयर, बट मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कंटेंट क्रिएटर्स को भी ना. सम ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एस्पेशली जो मैंने जैसे थोड़ा पहले आपको बोल रहा था कि लाइक योर इनिशियल वीडियोस ना, उसमें आप जो है लोकल गाना बहुत गाता था आप. अच्छा से याद है मेरे को ना, लोकल गाना गाता था विद द, आई रिमेंबर यू सिंगिंग अ रोमांटिक सॉन्ग विद अ वेरी ओल्ड गाय. आई थिंक आपका ही कोई रिलेटिव था क्या शायद, एक वीडियो था वो ताकियो सोकी जी. हां हां आई मीन या आई कॉल हिम बड़ा पापा बाय द वे. वही हां, इनके बड़ा पापा के साथ सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग्स एंड ऑल दैट. मतलब तो ये आई एम श्योर एज अ चाइल्डहुड ना, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू योर चाइल्डहुड ना. क्या मतलब थोड़ा वेर यू अ वेरी डिफरेंट किड फ्रॉम द लॉट. थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है ओके, थोड़ा पर्सनल भी है ना. Were you, because हमको लग रहा है that, were you very different from the other kids? Yeah, I was different because I remember मेरे, मुझे तो क्योंकि इतना याद नहीं है but मेरे माँ पिता जी मुझे बताते थे कि जब भी मैं स्कूल भी जाती थी तो लोगों को क्या होता था कि उसके पेरेंट्स खुद लेने आते थे बट मुझे, और मैंने स्टडी भी 3 साल की उम्र से शुरू किया था तो बहुत यंग एज में शुरू किया है तो मुझे प्यार भी करते थे टीचर्स और मेरे माता पिता को आना नहीं पड़ता था. टीचर्स मुझे खुद घर लेके जाते थे और ये वीकेवी में भी पढ़ने का आइडिया टीचर ने ही दिया था कि आपकी बच्ची जो है स्मार्ट है तो आप उनको वो स्कूल में डालिए, हम उन्हें बात कर देंगे उनके लिए करके. तो आई थिंक हमेशा से मैं एक ऐसी बच्ची थी जो सबका अटेंशन ग्रैब करती थी. तो जस्ट कंटिन्यू हो रहा है मतलब. हाँ आई थिंक ओके. नाउ अगेन लाइक बिकॉज लाइक आई सेड कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी पूछूंगा देन यू नो दे से दैट पीपल हु स्माइल अ लॉट, पीपल हु लाफ अ लॉट, अंदर में बहुत कुछ एक कभी कभी नॉट ऑलवेज थोड़ा भारीपन भी होता है बोलता है, कितना हद तक सच है ये? हाँ इट इज़ ट्रू, 100% ट्रू, ऐसा होता ही है हमारे साथ में बिकॉज और हम क्यों हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा क्यों स्माइल करते हैं, इसके पीछे वही रीज़न होता है कि जब हम अकेला फील करते हैं, हम डाउन होते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं होता है. और इसी एक्सपीरियंस को लेके हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी तरह कोई ये फील ना करे, अकेला लेफ्ट आउट फील ना करे, इसीलिए हम हमेशा लोगों के लिए इमोशनली फिजिकली अवेलेबल रहते हैं. एंड दैट इज द रीजन स्माइल का मतलब यही सीक्रेट है ना. तो दोस्तों यू नो द रीजन आई ब्रॉट आउट दिस क्वेश्चन इज बिकॉज लोगों को लगता है कि ना आपको जैसे कि देख के बहुत आदमी लोगों को लगता होगा इसका तो लाइफ में टेंशन ही नहीं है. हाँ. मस्त है ये, बढ़िया जी रहा है इसका जिंदगी. बट आई थिंक एवरीबडी अपना अपना बस्ता तो सब लेके घूमता है, सबका लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल्स अलग होता है. बट एटलीस्ट इफ यू कैन स्प्रेड स्माइल देन सच ए वंडरफुल थिंग ना. तो थोड़ा फ्यूचर के बारे में बोल बात करते हैं आपसे. नाउ सबको पता है आप मल्टी टैलेंटेड, यू आर यू सिंग, गाती भी हो आप, एंड देन होस्टिंग भी करती हो आप, एंड देन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर. सो आई मीन what does the future hold for you? Like कुछ seriously सोचा है कि यही चीज को करेगा ना, APCS exam देगा ना, LDC UDC देगा ना, क्या करेगा कुछ, any plans that you wanna share with us? फिलहाल तो अभी job के बारे में तो नहीं सोचा है. Last time का APCS exam जो हुआ था वो दिया था मैंने और SI का exam भी दिया था by the way. तो पर अभी तो फिलहाल मैं इस artistic line में घुसी हुई हूँ और I think मुझे job suit भी नहीं करता है ये 9 to 5 वाला जॉब और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है. वो जस्ट मैंने मेरे माँ बाप के वो के लिए दे दिया, सेटिस्फेक्शन के लिए कि अच्छा चलो बच्ची ने ट्राई किया ये वाला
मुझे अपना कुछ वो करना है, क्रिएट करना है कि लोगों को भी मैं एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ. मैं हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत है ना, तो आई थिंक मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी जिससे लोगों को भी मैं काम पे लगा पाऊँ और मेरे साथ अच्छे से काम करें. मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब यू वांट टू, खुददारी है बंदी में ना. लड़की बहुत खुददार है. ओके, जो जो लाइन मारेगा सोच रहा है दिमाग में घुसा लो ये. यू बेटर वॉच इट, इतना आराम से नहीं पटेगा ये. ओके, मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम इंस्टाग्राम में शायद आपने कुछ शेयर किया था ना. नाउ लेट मी आस्क यू वन वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन. ओके, हाउ मेनी अननोन डीएम्स यू गेट इन अ डे? आई थिंक कुछ तो फिगर होगा. मेरा एक्चुअली जो वो है रिप्लाई मोड है वो मैंने ऑफ किया हुआ है. जब रिप्लाई मोड ऑन करती हूँ तब बहुत आते हैं. दिन में 10-15 तो आ ही जाते हैं, बट सिंस रिप्लाई मोड इज ऑफ तो अभी काइंड ऑफ आ जाते हैं. दिन में 4-5 आ ही जाते हैं. अभी 4-5 फिलहाल 4-5 से ही चल रहा है मतलब. नहीं तो अदरवाइज अगर 10-15 तो आता ही है मतलब. हाँ, वो इंस्टाग्राम में होता है, फेसबुक में तो बहुत आते हैं. वो तो मैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. हाँ, मेरा जो रिस्पांस रहते हैं वो देयर जीरो है. बट इट्स ओके, कीप ऑन ट्राइंग. जो ट्राई करे ट्राई करते रहे. आई थिंक शी इज अवेलेबल. ओके, थोड़ा सा क्लू दे रहा है हमको. जो जो लाइन मारने के लिए ट्राई करे हमको थैंक यू बोलना. आई थिंक शी इज अवेलेबल. सो ट्राई करते रहिए, होप मत छोड़िए. बट कब तक अननोन डीएम करते रहेगा कि नहीं, कभी दिन आके सामने से ट्राई मार के देखो. एनी वे, नाउ ये तो मजाकिया क्वेश्चन था ना, इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा ना. सी ऑफकोर्स यू आर अ ह्यूमन बींग, यू हैव योर लाइफ. आपका भी सुबह उठना होता है, आपको भी सब कुछ आपका करना होता है. तो अभी आपको जो है यू बिकम क्वाइट पॉपुलर ना, तो हाउ डज इट इफेक्ट अ नॉर्मल गर्ल्स लाइफ? मतलब जैसे कि अभी आप रास्ता में जाएगा तो आई एम श्योर कोई डायरेक्ट बात नहीं करने से भी थोड़ा ऐसे तो दिखता ही होगा. हाउ आर यू डीलिंग विद इट? तो उसके साथ तो जस्ट आजकल नॉर्मल होने का ट्राई कर रही हूँ. पहले थोड़ा अजीब लगता था, इसीलिए मैं मास्क पहनती थी. तो मेरे एक दीदी है, एकदम खूंखार वाली दीदी, उसने मुझे कहा कि ज्यादा सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी एक्टिंग मत करो, मास्क उतारो. उसके बाद से मैंने मास्क पहनना छोड़ दिया. और आई थिंक लोग इसीलिए मुझसे अच्छे से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि मैं ग्राउंडेड रहती हूँ. तो कभी कभी अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी तभी प्रॉब्लम होता है जब मेरा मूड खराब होता है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से. वही मैं पूछ, तब ना वो होता है लोग हाँ मुझसे प्यार करके मुझे बोलते हैं मिस नो वन, मिस नो वन करके. पर मुझे क्या होता है कि स्माइल करने का मन नहीं कर रहा होता. फिर भी करना पड़ता है. हाँ, फिर भी करना पड़ता है. और कुछ प्राइवेसी नहीं रहता मुझे. किसी के साथ, दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है तब भी देख के मिस नो वन रूमर्स फैला देते हैं लोग के. मेरा नॉर्मल बचपन का दोस्त भी, या फिर इवन मेरे भाई के साथ भी कभी कभी बोल देते हैं क्योंकि ही इज टॉलर देन मी नाउ. तो ऐसा होता है कि हाँ उधर घूम रही थी मिस नो वन किसी लड़के के साथ, एक्चुअली वो मेरा भाई रहता है. तो यही प्रॉब्लम होता है. अगर मैं एक अननोन नॉर्मल लड़की होती तो ये नहीं होता. बट नाउ यू आर क्वाइट नॉर्मल विद इट ना. तो दोस्तों, यू नो ऑफ कोर्स बातों का सिलसिला तो चलते रहेगा, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग आउट. सी मिस नो वन, शी इज अ वेरी नॉर्मल गर्ल ना, एक बहुत नॉर्मल लड़की है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू बिलिटिल योर अचीवमेंट्स, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला काम भी तो शायद नहीं किया है आपने अभी तक. बट एट द सेम टाइम शी इज स्प्रेडिंग सो मच ऑफ पॉजिटिविटी, सो मच ऑफ हैप्पीनेस ना. तो दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगा कि ना, हर समय बड़ा बड़ा काम करना जरूरत नहीं है. छोटा 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 चीज से भी वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, राइट? हम वही बिलीव करते हैं, छोटा छोटा चीजों से वो होता है खुशी जो है, छोटा छोटा चीजों में ज्यादा मिलता है. वही ढूंढना चाहिए. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग ना. तो ऑफ कोर्स वेल, बातों का सिलसिला तो जारी रहते रहेगा. एंड नाउ ऑफ कोर्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस एपिसोड. बट जाते जाते अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया ना, कि आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट यू शुड टॉक टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, हु आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी एंड हु आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज ना. उनके लिए स्पेसिफिक आपका कुछ मैसेज होगा क्या? बिकॉज आई डोंट नो व्हाई डू आई फील कि थोड़ा तो गुजरा होगा भी, मतलब हाँ ऑब्वियसली कुछ नहीं दूंगी पर्सनल, बट आई थिंक इमोशनल जो
उतार चढ़ाव है. हाँ, वो तो सबके लाइफ में होता ही है. तो इसीलिए मैं जस्ट कहना चाहूंगी कि टॉक टू पीपल ना, बताओ आप क्या फील कर रहे हो और लोगों की सुनो आप. सबसे पहले बताना जरूरी है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, ज्यादातर छुप जाते हैं. मैं खुद ऐसी हूँ. अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं लोगों की कॉल्स और लेना ही बंद कर देती हूँ. और एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए. इससे मैंने सीखा है कि आपको बात करना चाहिए. जितना आप बात करोगे उतना आपके अंदर से ये सब नेगेटिविटी जो है वो जाते रहेगा, क्योंकि वो हल्का होने लगता है. आप जब लोगों को बताते हो, बात करते हो ना, तब जाके आप बेटर फील करोगे और आप रियलाइज करोगे कि आगे जाके कि वो कुछ था ही नहीं. वो एक सीधे सा एक छोटा सा रीज़न था जिसकी वजह से आप डिप्रेस थे. तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइफ इज़ वे मोर ब्यूटिफुल देन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थॉट. तो उसे और खूबसूरती से जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए. लगे रहो, मतलब डोंट गिव अप एंड टॉक टू पीपल ना. सच ए वंडरफुल मैसेज. नाउ ऑफ कोर्स बिफोर वी लेट यू गो, एक क्वेश्चन तो सॉरी एक सवाल तो एक रिक्वेस्ट तो बनता है आपसे करना, और वो ये है कि लाइक टू द कंटेंट क्रिएटर्स जिसको बिना मिर्च मसाला का कंटेंट बनाना है. हाँ. समझ गया होगा ना सब. जिसको बिना गरम मसाला ये सब का कंटेंट बनाना है, उसके लिए आप क्या मैसेज दें? दिस विल बी माय लास्ट रिक्वेस्ट टू यू. उसके लिए वही मैसेज होगा, बी योरसेल्फ, बी ग्राउंडेड. आप जैसे हो वैसे ही रहो, फेक मत करो. और आप धीरे धीरे करके स्ट्रगल करो, तब जाके दुनिया कभी ना कभी आपको रिकॉग्नाइज ज़रूर करेगी. आप वो मकाम पे ज़रूर पहुंचोगे जो आपने सपना देखा है. आप मिर्च मसाला अगर आप डालोगे तो आप एक समय तक के लिए ही आपका नाम रहेगा, उसके बाद आप गायब हो जाओगे. बट आप जो आप है, बींग यू जो कहते हैं, वो रहोगे तो आप आगे तक चलोगे. लॉन्ग टर्म के लिए जिसे कहते हैं ना, वो रहेगा आप. सच ए वंडरफुल मैसेज ना. फेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यू नो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, बस करते रहो, काम करते रहो ना. तो मिस नो वन, वी कम टू दिस एंड ऑफ टूडेज एपिसोड. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस वॉज अ वेरी मेरे लिए बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था, बिकॉज सम हाउ आई थॉट आई वुड नॉट बी एबल टू मेक अ वेरी सीरियस एपिसोड, बट बन गया सीरियस एपिसोड ना. और बहुत अच्छा अच्छा चीज़ जानने मिला, हाउ टू स्टे ग्राउंडेड, हाउ टू स्पीक अप टू पीपल एंड हाउ टू स्माइल इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ओस ना. थैंक यू सो मच मिस नोवन, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टाइशन टॉक्स ऑफ फैमिली. वी विश यू ऑल द बेस्ट ना. आप जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही हो आप करते रहिए, और आपके जो कदरदान हैं, आपके जो मेहरबान लोग हैं, वो आप पे ऐसे ही आशीर्वाद यू नो बौछार करते रहे. मे यू गो फॉरवर्ड, मे यू अचीव वॉट एवर योर डेस्टिनी होल्ड्स फॉर यू. एंड या, कीप दैट स्माइल ऑन. थैंक यू सबको. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग सबको. प्लीज मिस नो वन. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ओके प्लीज देखिए. इनके लिए नहीं, अपने लिए देखिए. ओके, स्ट्रेस बस्टर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स वी हैव. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव कम टू द एंड ऑफ टूडेज एपिसोड. बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, बहुत ही यू नो अतरंगी एपिसोड. थोड़ा हंसा हमने, थोड़ा सीरियस भी हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग ना. तो दोस्तों, टाइसन टॉक शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. ब्यूटिफुल स्टोरीज आर कमिंग अप, और भी बहुत सारी कहानियाँ एंटरटेन करेंगे आपको, आपको इंस्पायर भी करेंगे. सो फ्रॉम अस, इट्स अ थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव वॉच्ड. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एज शी सेड, कीप स्माइलिंग. Thank you. I will see you on the other side. Thank you.